मऊ जिले की सराय लखनची थाने की पुलिस और सॉट टीम ने मिलकर चोरी के जेवरात और नकदी के साथ तीन साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। तीनों साथी चोर कई मुकदमे में नामित भी हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए सीओ सीटी राजकुमार ने बताया कि सॉट टीम और सराय लखनची थाने की पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि क्षेत्र के बरलाई गांव में चोरी हुई थी। उस चोरी से संबंधित चोर चोरी के जेवरात लेकर सलाबाद बाजार में अंबेडकर प्रतिमा के पास बैठे हैं। इसी सूचना पर पुलिस टीम जब अंबेडकर प्रतिमा के पास पहुंची तो पुलिस को देख चोर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने घेराबंदी कर तीन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दो चोर फरार होने में सफल हो गए। गिरफ्तार चोरों के पास से 30,000 के जेवरात संग 7,000 रुपए नगद बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सराय लखनची थाने के सराया रघुनाथपुर गांव निवासी गौरी व मिट्टू और गाजीपुर जनपद के दुल्हापुर थाने के रामपुर पतारी गांव निवासी हरिनाथ हैं। वहीं फरार अभियुक्तों में गाजीपुर जनपद के श्यामदेव और श्याम सुंदर हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर चोरी की घटनाओं के कई मामले दर्ज हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान न्यायालय कर जेल भेज दिया है। मेरे द्वारा एक टीम गठित किया गया है, जो सराय लखनसी क्राइम ब्रांच वगैरह की टीम है, लगातार काम कर रही थी। तो इसमें सराय लखनसी टीम को सफलता मिली है। कुछ एक गैंग है जो 5 लोगों का गैंग है और नकबजनी की घटनाएं करता, आभूषण आदि की चोरी करता है घरों में, और ये भयानक चोरी करते हैं। ये 3 व्यक्ति इसमें पकड़े गए हैं सलाहाबाद मोड़ से। गौरी पुत्र छोटू हैं, ये सराय लखनसी के हैं। हरिनाथ पुत्र हरदेव हैं, ये दुल्लापुर के हैं। मिट्ठू पुत्र छोटू हैं, ये सराय लखनसी रघुनाथपुर के हैं। 2 लोग रघुनाथपुर के, 1 दुल्लापुर के हैं। 2 व्यक्ति उस समय जो मौके से भाग गए, फरार हो गए, श्यामदेव पुत्र हरिदेव दुल्लापुर के, और उसका भाई है श्याम सुंदर पुत्र हरदेव दुल्लापुर का। इनके द्वारा जो है बताया गया है, और हम लोग भी इन्वेस्टिगेट किए, कुल 12 चोरियों में इनकी संलिप्तता है। चोरियां तो ये और भी किए होंगे, हम लोग अभी और उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सराय लखनसी में 3 है, घोसी का 3 है, मधुबन में 2 है, रानीपुर में 1, चिरैया कोट में 1 और हलधरपुर में 1, मर्दा गाजीपुर टिसौरा में 1 चोरी, कुल 12 चोरियाँ हैं। और इनके साथ काफ़ी मात्रा में आभूषण और 4700 रुपये नगद बरामद हुए हैं। लगभग 30,000 रुपये का ये आभूषण है। शेष बताया जा रहा है, ये जो दोनों फरार व्यक्ति हैं, इनके पास भी आभूषण है, उसकी बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। क्या काम करते थे, किस तरह से काम? देखिए, ये भट्टे आदि पे काम करते थे, और वो तो एक फ्रंट था दिखाने के लिए कि ये इस तरह काम करते हैं, लेकिन रात में ये काफ़ी इनका मूवमेंट रहता था, और मोबाइल आदि से भी इनके लोकेशन घटनास्थल पे तस्दीक हुई है।